हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड का बहुत ही क्विक सा नाश्ता, जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है और बहुत ही फटाफट से बनने वाला भी है। सिर्फ 10 मिनट में आप इसे बनाकर खा सकते हैं। सुबह सुबह जब जल्दी हो तो सिर्फ 10 मिनट में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। तो देखिए, इसके लिए मैंने जो जो वेजिटेबल्स लिए मैं वो बता देती हूँ। ये मैंने लिए हैं 2 हरी मिर्ची। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। ये मैंने ली है बेल पेपर, यानी कि कलरफुल शिमला मिर्ची, रेड वाली। थोड़ी सी मैंने गाजर बारीक काट कर, थोड़ी सी मैंने ग्रीन वाली शिमला मिर्ची, ये कुछ मैंने टमाटर लिए हैं साथ में, ये मैंने थोड़ी सी फूल गोभी लिया है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप जो सब्जियां आपको पसंद हैं इनमें से आप उन्हें रख सकते हैं, जो ना पसंद हो उन्हें आप स्किप कर सकते हैं, और इसके अलावा भी जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने लिया है हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, और साथ ही मैंने ले लिए हैं ये कुछ ब्रेड। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इधर देखिए, मैंने ये ब्रेड ले ली है, तो इन्हें हम कट कर देंगे। आप वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड जैसी चाहे वैसी ले सकते हैं। मैंने वाइट ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। मैंने वाइट ब्रेड ली है और इन्हें इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो देखिए, ये मैंने काट कर तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब हम अपनी सब्जियों को भी तैयार कर लेते हैं। इधर देखिए, मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और मैं इसमें डाल दूंगी राई। राई अच्छे से चटक गई है, यानी कि भुन गई है, तो मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्ची, साथ में शिमला मिर्ची, ये गाजर, और सारी चीजों को अच्छे से हमें भून लेना है। सब्जियों को हमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ी ये क्रिस्पी क्रिस्पी ही रहे तो ही ये अच्छी लगती हैं। अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये टमाटर, साथ ही ये गोभी। गोभी भी हमने कद्दूकस करके ली है, तो ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी, इसमें टाइम नहीं लगेगा। सारी चीजों को हमें अच्छे से भूनना है, हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, थोड़ी सी हल्दी, 1 पिंच के करीब लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर और बहुत थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। और इस टाइम पर ही मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी रोस्टेड पीनट है, इनको ये ड्राई रोस्ट हो रखी हैं तो ये पहले से ही बहुत क्रिस्पी हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे ये ब्रेड और साथ ही टेस्ट के हिसाब से नमक। और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेना है। तो देखिए, मैंने सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर ली हैं और ब्रेड का भी कलर कितना अच्छा सा आ गया है। ये नाश्ता खाने में बहुत लाइट लगता है, लेकिन लगता बहुत अच्छा है। अगर ब्रेड के साथ कुछ नया करना है, मतलब कुछ वेरिएशंस करके खाना है ब्रेड को, तो इस तरीके के नाश्ते बहुत अच्छे लगते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और अब मैं डाल दूंगी ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तो हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार है, तो चलिए चलते हैं अब इसे सर्व करने की प्रोसेस में। तो देखिए, हमारा ब्रेड का ये बहुत ही मज़ेदार सा, सुपर टेस्टी सा ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। सुबह सुबह जब जल्दी हो, बहुत ज़्यादा कुछ ना करना हो, तो उस समय के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बहुत फटाफट से बन जाता है और खाने में तो यार इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है, जब आप ट्राई करेंगे तभी जान पाएंगे। तो चलिए
वीडियो और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। Thank you.